पाकिस्तान किसी चीज़ में आगे नहीं है। चाँद पे इंडिया मून पे पहुंच गई, बट पाकिस्तान एक चीज़ में इंडिया से बहुत आगे है, और क्रिकेट जगत में। तो क्रिकेट जगत में किस चीज़ में आगे है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ल्ड कप 2023 पे न्यूज़ में बात करने वाला, बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाला, तो वीडियो को अंत तक। आप लोगों का स्वागत है स्पोर्ट्स यानी यूट्यूब चैनल में। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराते ही ODI की नंबर वन टीम बन गई है और इंडिया से दो रैंकिंग आगे है, यानी इंडिया का तीसरा रैंकिंग है और पाकिस्तान की फर्स्ट रैंकिंग है। वर्ल्ड कप है तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अंदर से वो वाली फीलिंग भी आएगी कि यार मैं नंबर वन टीम बन गया, खतरनाक टीम बन गया और मज़ा आ गया देख कर। तो पहले नंबर पर पाकिस्तान है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे पर इंडिया है, ओके। और उनके टॉप फाइव बल्लेबाज, टॉप फाइव में देखोगे टॉप थ्री पाकिस्तानी ODI बैटर भी हैं, आपको चाहे बात कर लो बाबर आजम की, बात कर लो बाबर आजम नंबर वन में, फ़खर जमान, इमानुल हक, इंडिया एक ही प्लेयर बल्लेबाज है शुभम गिल, वो नंबर पे, अदरवाइज कोई भी बल्लेबाज नंबर टॉप पे नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान इस बार ज़बरदस्त टीम लग रही है वर्ल्ड कप 2023 के लिए, क्योंकि इंडिया में खेले जाएगा तो इंडिया पाकिस्तान का पिच एक सेम लेवल का होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये कह सकता हूँ कि इस बार पाकिस्तान अच्छा कर सकती है, और ये तो कंफर्म है कि टॉप फोर टीम तो पाकिस्तान बनने वाली है, कोई रोक नहीं सकता है। फाइनल में जाए या ना जाए, बट पाकिस्तान तो जाएगी, क्योंकि यार जो जिस तरह से उनकी बैटिंग चल रही है, फ़खर जमान है ओपनिंग में, फ़खर जमान, इमामुल हक, उसके बाद इमानुल हक, बाबर आजम, रिजवान, फिर उसके बाद शादाब, बॉलर की तिगड़ी की बात कर लो, बॉलर भी टॉप थ्री चार हैं इनके पास, आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं, शाहीन शाह अफरीदी के बाद आपके पास आपके पास नसीम शाह है, तो हारिस राउफ है, वसीम जूनियर है, तो उनके पास बॉलर की भी कमी नहीं है। तो पाकिस्तान इस बार अच्छा करने वाली है वर्ल्ड कप 2023 में ODI मैच में, ओके। तो लेट्स होप, बाकी ODI की वर्ल्ड कप की टीम जो कुछ आपके पूर्व चेयरमैन ने घोषित किया है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। MSK प्रसाद इंडिया के पूर्व चेयरमैन ने अपना वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम अनाउंस किया, तो उन्होंने तीन फास्ट गेंदबाज को अनाउंस किया, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और बुमराह के साथ। मुझे लगता है फास्ट गेंदबाजी थोड़ी सी लह सकती है कि लैक हो, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है, 2000 इंडिया में 11 में वर्ल्ड कप जीती थी तो जहीर खान थे, और चार स्पिन गेंदबाजी के साथ जा रही है इंडिया। चार स्पिन गेंदबाजी में बात करूं तो चार इजमय, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल जो एम के प्रसाद के, उसके बाद एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की बात की। बल्लेबाजी में बात किया जाए ओपनिंग में आपको दिखेंगे आपके क्या कहते हैं रोहित शर्मा, ईशान किशन ये हैं, उसके बाद विराट कोहली और शुभम गिल और रोहित शर्मा तो ओपनिंग दिखेंगे, बाकी ईशान किशन, विराट कोहली, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसके बाद आप श्रेयस अय्यर और KL राहुल और हार्दिक पांड्या, ये टीम है MSK प्रसाद का जो आपको अभी उन्होंने घोषित किया। मोस्ट प्रोबेबली यही टीम होगी, एक दो चेंजेज हो सकते हैं, मे बी बॉलर एक आर अश्विन को चूज ना करे, क्योंकि आर अश्विन इंडिया के बीच पे इफेक्टिव हो सकते हैं, नो डाउट। एक टब कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन, अब तीन फास्ट गेंदबाजी के साथ जा सकते हो, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी के साथ जा सकते हो, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी इंडिया पिच पे तो चलना ही चलना है, ओके। तो स्पोर्ट्स यानी यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सारे न्यूज़ के साथ आप लोगों का प्यार बना रहा तो डेली एक अच्छी अच्छी न्यूज है। थैंक यू एंड बाय बाय।